नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह यादव आप सबके सामने आज की इस अखबार की न्यूज को ध्यान में रखकर के उपस्थित हुआ हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परखिएचारी, धैर्य को धर्म को मित्र को और नारी को जो है विपत्ति काल में परखा जाता है, वैसे ये धैर्य का समय है आपका। आप सभी विद्यार्थी इस बात से आहत हैं, बड़े दुखी हैं कि इतने बड़े स्तर पर एक भर्ती हुई और उस भर्ती में भी इस प्रकार की धांधली, इस प्रकार बेरोजगारों के साथ जो है धोखा हुआ और किस तरह से जो है स्थान स्थान पर समाचार पत्र के माध्यम से आप खबरें पढ़ रहे हो। जैसे देखिए, जयपुर शिक्षा संकुल से एक दिन पहले ही लीक हो गया था रीट का पेपर, लेक्चरर समेत दो गिरफ्तार, सरकार बोर्ड के स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर आउट, अब तो लीक मानिए अध्यक्ष को बर्खास्त कर स्ट्रॉन्ग मैसेज दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार की न्यूज से पूरा का पूरा जो है बेरोजगार समुदाय बड़ा दुखी है और मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि इस प्रकार जब पूरी तरह से सबूत प्राप्त हो गए हों तो सरकार को कड़ा से कड़ा कदम लेना चाहिए। और जिस प्रकार यूपी की सरकार ने कठोर कदम उठाया है, यूपी टेट के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और रासुका लगाया, सचिव को 7 दिन में अरेस्ट किया, घरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश, इसी तरह का कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। और जैसा कि संभावना बन रही है कि सीबीआई जांच हो जाए, अगर सीबीआई जांच हो जाती है तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर सीबीआई जांच होगी तो देखिए क्या होगा। अगर रीट 2021 की परीक्षा रद्द होती है या फिर उस पर सीबीआई जांच होती है तो मई में प्रस्तावित रीट परीक्षा का आयोजित होना मुश्किल है। अगर रीट 2021 रद्द हुई तो मई वाली रीट को स्थगित करना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रीट एक साथ कर दी जाए और एक साथ 52,000 शिक्षकों की भर्ती हो, तो दोनों ही प्रकार की संभावना है। और ऐसी स्थिति में प्यारे विद्यार्थियों, धैर्य धारण कीजिए और शीघ्र ही सरकार को एक ऐसा उचित फैसला लेना पड़ेगा जो बेरोजगारों का भला करे। बेरोजगार जो बेचारे दो दो तीन तीन साल से जो है रूम लेकर के और बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों के साथ उचित जो है व्यवहार किया जाए, ऐसी मैं कामना करता हूं सरकार से और आप सब विद्यार्थियों से धैर्य बनाए रखने की कामना करता हूं ताकि आपको जो है उचित निर्णय जो है प्राप्त हो जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा और इसी प्रकार हम विद्यार्थियों के हित के लिए सजगता और जागरूकता उत्पन्न करते रहेंगे। सभी को नमस्ते, जय श्री कृष्णा।